जनपद में रंगों के त्योहार होली को लेकर हर तरफ उत्साह दिख रहा है। जनपद में रंगों का पर्व होली 19 मार्च को मनाया जाएगा। महानगर के बाजारों में मोदी योगी छाप की पिचकारी, टोपी, अबीर, रंग गुलाल तथा तरह तरह की कार्टून जैसे मास्क दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक बार फिर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, तो सब कुछ भगवामय हो गया है। इस बार की बिक्री से दुकानदार जहां खुश हैं, वहीं ग्राहकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके संबंध में दुकानदार ने बताया कि इस साल पिचकारियां कुछ अलग तरह की बाजारों में आई हैं। उन्होंने बताया कि जिस पिचकारी पर योगी मोदी का स्टिकर लगा हुआ है, उसकी डिमांड ज्यादा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार दीपक जायसवाल एवं उर्मिला ने कहा, पिचकारी तो इस साल मतलब कुछ अलग आया हुआ है, लेकिन आज 16 तारीख है, कोई मतलब अभी दुकानदारी हुआ नहीं है। और यहाँ पर तो गोरखपुर में 19 तारीख को होली है, 17-18 तारीख को देखा जाएगा कि दुकानदारी चल रहा है कि नहीं। वैसे तो बाबा मुख्यमंत्री हो ही गए हैं इस साल गोरखपुर के, फिर पूरे उत्तर प्रदेश के। क्या डिमांड है लोगों की? लोगों की यही डिमांड है कि योगी मोदी जी का जो पिचकारी पर स्टिकर लगा हुआ है, वही लोग पाइप मांग रहे हैं पिचकारी, योगी मोदी जी का, योगी जी का कैप मांग रहे हैं लोग। बुलडोजर पिचकारी भी आया हुआ है, बुलडोजर के नाम से भी आया है पिचकारी, है उसका स्टिकर भी लगा हुआ है बुलडोजर बाबा के नाम से। तो उस पिचकारी का डिमांड कुछ ज़्यादा ही है गोरखपुर में। लोग आ रहे हैं? लोग आ भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं। आपके पास अभी तो है, लेकिन दो लाए थे ज़्यादा, लेकिन खत्म हो चुका है, एक या दो पीस बचा हुआ है। उर्मिला, होली में मांगी मांगी पिचकारी का डिमांड है, सस्ता वाले कोई गरीब उरीब वाले ले जाते हैं, बाकी तो अच्छे क्वालिटी के अच्छे ही लोग ले जाएंगे। क्या कस्टमर आ रहे हैं? अभी नहीं, फिलहाल शाम से 4 बजे से कस्टमर आएंगे।